एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेस्टर्न डीएफसी के ग्रुप जनरल मैनेजर है हमारे साथ एमएस हाशमी जी। सर आज जो सेक्शन का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में बताइए कि उसकी क्या खासियत है और उससे किस तरह का लाभ मिलने वाला है। जी पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडियन रेलवे के पैरेलल हम लोग एक सिस्टम जो फुली डेडिकेटेड टू फ्रेट ट्रैफिक है ये कंसीव किया गया और इसको बेसिकली हम लोग अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। इसमें दो कॉरिडोर हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न दादरी से लेकर के दानकुनी और खुर्जा से लेकर के लुधियाना तक है जो कि 1875 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली है, और वेस्टर्न हमारा 1506 किलोमीटर का है दादरी से राइट अप टू जेएनपीटी। इस खंड में, इस वेस्टर्न रेलवे में, इसके फेज वन में रिवाड़ी से लेकर के मदार सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन 306 किलोमीटर का, ये हम लोगों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है, और ट्रेन्स भी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ करके अटेली और किशनगढ़ के बीच में ट्रेन चलाई है। इसके फायदे मैं पहले बताऊं कि जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये नॉर्मल IR ट्रैक में जो एक्सल लोड है वो 22.5 टन का है एक्सल लोड, और हमारे यहाँ जो हमने एक तो 25 टन एक्सल लोड से अभी ट्रैक डिज़ाइन किया है, और जो हमारा फॉर्मेशन और ब्रिजेस है ये 32 टन एक्सल लोड का है कि फ्यूचर में अगर हम और हैवियर जब हमारे पास वैगन्स होंगे तो हम और हैवी ट्रैफिक को इससे कैरी कर सकते हैं, तो इससे इफिशिएंसी